अंदर जीत हासिल की है। एबीवीपी ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव का पद जीत लिया है, जबकि एनएसयूआई को संयुक्त सचिव के पद से संतोष करना पड़ा है। एबीवीपी के अमित तंवर अध्यक्ष बने हैं, प्रियंका उपाध्यक्ष चुनी गई, जबकि अंकित सांगवान ने सचिव के पद पर बाजी मारी। वहीं एनएसयूआई के मोहित संयुक्त सचिव बने हैं। तस्वीरें डीयू में हो रहे जश्न की, जहां पर एबीवीपी जश्न मना रही है। तीन पदों पर कब्जा करने के बाद उसके उम्मीदवार और समर्थक नाचते गाते और झूमते नजर आ रहे हैं। जीत दर्ज की है और एक सीट पर एनएसयूआई ने बाजी मारी है। हमारे साथ इस समय प्रेसिडेंट हैं एबीवीपी के, डूसू के प्रेसिडेंट अमित। ये बताना, तीन सीट आपने जीती है, लेकिन कहा यह जा रहा था कि आप जो करिश्मा था लगातार दो सालों से जो एबीपी दोहरा रही थी, वो आप हैट्रिक नहीं लगा पाए, क्या वजह रही? देखिए, जो हम चुनाव की बात करते, तीन सीट पे हम जीते हैं, एक सीट पे हम लूज करे हैं। कहीं ना कहीं ये पोलिंग की समस्या भी है कि कई कॉलेज में सेकंड और थर्ड स्टूडेंट की पोलिंग नहीं हो पाई है, क्योंकि जो हमारा जो एक सीट लूज की, लेकिन फिर भी हम 5,000 के मार्जिन से, बहुत अच्छा मार्जिन से हम जीते हैं, और जो हमारे मुद्दे हम बरकरार रखेंगे और काम करेंगे। सर, एक और बात बताइएगा कि जो आपने मुद्दे रखे थे, जो मैनिफेस्टो में रखे थे, उनको आप कैसे पूरा करेंगे? देखिए, जो हमने मुद्दे उठाए, चाहे हॉस्टल्स का है, चाहे कॉलेज न्यू कॉलेज की है, या फिर 24/7 लाइव, ये तमाम मुद्दे हम प्रशासन के सामने रखेंगे, अपना एक मैंने इंटीमेशन देंगे, अपना तरीके से काम करेंगे और प्रशासन से कहेंगे कि ये काम करे, अगर नहीं होता है तो हम आगे उसके बारे में सोचेंगे। इस तौर पर तीन सीटों पे जीत मिली है बीपी को, एक सीट पे एनएसयूआई को। हालांकि दो साल से जो सूखा था एनएसयूआई का, वो आज खत्म हो गया है, एक सीट ही क्यों ना सही। कैमरामैन अवधेश के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज। सीट आपने जीती, लेकिन जो क्वीनशिप की बात थी कि इस बार आप लोग क्वीनशिप करेंगे, वो नहीं हो पाया, क्या वजह रही? वजह यही रही कि कई कॉलेजेस के अंदर इलेक्शंस नहीं हो पाए, इलेक्शंस रद्द हो गए, तो जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे थे चुनाव में, उनमें थोड़ा मायूसी का माहौल था। मगर फिर भी उसके बावजूद भी विद्यार्थी परिषद 30 सीट जीत कर आई है, उसके लिए मैं छात्रों का धन्यवाद करना चाहूंगी और उनको प्रॉमिस करती हूं कि उनके अधिकारों के लिए, जो भी उनके मुद्दे होंगे और जो एजेंडाज हम लोगों ने तय करे, उन पर हम काम करेंगे। जो वादे किए थे, उन वादों को कैसे पूरा करेंगे? हाँ जी, जिन जो वादे किए थे आपने मैनिफेस्टो में, उन वादों को कैसे पूरा करेंगे, क्या दिमाग में है आपके? बिल्कुल, कल से ही हम लोग कॉलेजेस के अंदर जाएंगे और हर कॉलेज, जैसे हमने कहा था, हेल्प डेस्क हर कॉलेज के अंदर लगेगी, जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, जो इश्यूज वो लोग कॉलेज में फेस करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो जीत गए हैं, जो कॉलेजेस के अंदर जीत कर आए हैं, हम लोग स्टूडेंट्स के पास जाएंगे और जो जो उनके मुद्दे होंगे, जो जो उनके प्रॉब्लम होंगे, उनको सॉल्व। ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद हाथ से चला गया, क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, आर जीत तो लगी रहती है, मगर स्टूडेंट्स को अभी भी एबीवीपी कॉन्फिडेंस है, इसलिए हम लोग 4 में से 3 सीटें जीत कर आए हैं ऊपर की, तो इसलिए उसको। प्रियंका थी एबीपी की, साफ तौर पे कहना है कि वो कॉन्फिडेंट हैं, तीन सीटें जीती हैं, भले एक सीट हार गई हो, और जो वादे किए थे वो वादे वो पूरे करेंगी। कैमरामैन अवधेश के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सेक्रेटरी के पद पर एनएसयूआई के मोहित जीते हैं। मोहित, तीन सीटों पे हार मिली, लेकिन एक थोड़ा सा राहत भी होगी कि जो सूखा दो सालों का था वो खत्म हो गया। मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा, जो पार्टी ने भरोसा जताया मुझ पे, मेरे बड़े भाइयों ने, विकास भाई ने, अरुण भाई ने, प्रदीप भाई ने, सबने मिलकर मेरे को भरोसा जताया, आगे लाया, क्योंकि हमने इस सब मेरे सीनियर है, ये सब अपने सालों साल काम करते आए हैं, मैं भी स्टूडेंट्स के लिए काम करता आया हूँ, स्टूडेंट्स ने भरोसा जताया हमें जिताकर। आपको पता होगा कि अगर हम दो साल से नहीं आ पा रहे, तो उसके लिए हमने स्टूडेंट्स के लिए हरदम खड़े रहे हैं, हर जगह प्रोटेस्ट, हर जगह काम किया, स्टूडेंट्स में रह के काम किया हमने, तो इसी वजह से हम आगे बढ़ पाए इस बार, और पिछली बार हम बिल्कुल क्लीन स्वीप मारेंगे। हाँ, लेकिन इसीलिए यही वजह है कि इस छोटी जीत के मायने बड़े हो गए हैं, क्योंकि एक सीट यानी जो दो साल का सूखा था वो आपने खत्म किया। बहरहाल, ये बताइएगा कि अब आप स्टूडेंट्स के फेवर में काम कैसे करेंगे? जितनी पावर में बताऊंगी, स्टूडेंट्स के साथ मैं हरदम खड़ा रहूंगा। आपको पता होगा कि मैंने स्वयं मैनिफेस्टो निकाले, मेन मैनिफेस्टो जो है, जो हम उसको मेन मोटिव बना के चलेंगे।